हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी गाइस? तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी आप सब पे कृपा बरसाते रहें, और जो लोग मेरे व्लॉग को देख रहे हैं ना, उनको हमेशा खुश रखें। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। और गाइज़, यहाँ पर मैं सुबह सुबह पहले नहा धो के आ गई हूँ और कपड़े धो के डाल रही हूँ छत पे। और गाइज, आप लोग कैसे हैं प्लीज़ बताइएगा। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं फुल वॉच के साथ देखिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा गाइज। हेलो गाइस, तो दोपहर हो रही है, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं गाइस? और यहाँ पे आप देखिए, हमारा बेटा स्कूल से आ गया है, तो मैं अभी जस्ट स्कूल से आई, इसके बाद अपने बेटे को लेके आई हूँ स्कूल से। तो यहाँ पे लेट रहा है बाबू। हाथ मुँह धो लिए बेटा? हाँ, धो लिया। कैसी तबीयत है गाइस? इसकी तबीयत सही नहीं थी, फिर भी स्कूल चला गया था सुबह में। हेलो नहीं कर रहे बाबू? गाइस को हेलो करो। अच्छा, ऐसे कौन करता है? ये कौन हेलो कर रहा है? ये कौन सा स्टाइल है? करिए अच्छे से हेलो करिए। कोई बात नहीं, जैसे आप स्कूल गए वैसे हेलो भी करना पड़ता है। कर लीजिए हेलो, अच्छे से करिए हेलो। पूछो कैसे हैं गाइस? बाबू देखिए गाइस, मेरा इतना सैड हुआ। क्या खाओगे? चावल दाल सब्जी लो। तबीयत ठीक है ना? तबीयत उत्पम। लंच में थोड़ी, नाश्ता में ना। तबीयत ठीक है? नहीं। कैसा गया स्कूल का दिन? कैसा रहा? जैसा रहता। अच्छा रहा? इसका गाय तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी आज स्कूल गए हैं। तो आज हनुमान जयंती भी है, तो आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं सुबह में मंदिर नहीं मतलब गई थी, लेकिन जल्दी जल्दी में प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया था हनुमान जी का। तो सुबह में तो भोले बाबू मंदिर गए, जल्दी से कोर्ट चली गई। तो अभी हम बाबू को लेके आए, तो शाम को मैं जाऊंगी और रेखा भाभी हमारी पड़ोसियों के साथ हम लोग मंदिर जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे। ब्लॉग पे बने रहे, भगवान जी का प्रसाद वगैरह लेके जाएंगे। तो पहले तो बाबू के लिए खाना निकाल देते हैं गाइस और खिला देते हैं। ठीक है गाइस, मैं बाबू के लिए खाना ले आई हूँ। हरी सब्जी है, लौकी की दाल है, चावल है, दही है, और यहाँ पे सलाद। और इनको चाहिए हरी सब्जी, सिर्फ दाल चावल, हरी सब्जी भी खानी है गाइस। मेरा बाबू हरी सब्जी नहीं खाना चाहता है, बहुत नाटक कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, हरी सब्जी खानी चाहिए ना? कल बना दूंगी, कल एक सब्जी छो आलू का भुजिया जरूर बनाऊंगी। लेकिन अभी सब्जी खानी है। अभी दाल चावल, मेरा गुड बेटा है। अभी दाल चावल, मैं इसको किसी भी तरह से इसको हरी सब्जी खिलाती हूँ गाइस। वही आप लोग को दिखा रही थी, तो मैं तो इनको खिला के ही रहूँगी। आप लोग और कमेंट जरूर करिएगा, हरी सब्जी खाने चाहिए कि नहीं। यहाँ पे देखिए नाटक इनका चालू है। खाना फिनिश हो गया, और आप देख सकते हैं मैंने अपने बेटे को हरी वाली सब्जी खिलाई है, ज़बरदस्ती खिलाई है। और मैं और मेरा बेटा एक साथ ही खाना खाया है। तो आप लोग भी अपने बेटे को हरी सब्जी जरूर खिलाइए। और देखिए कितना नाटक किया था, फिर भी मैंने इसको खिलाई हरी सब्जी। आधा ये खाया, आधा मैं खाई, हम दोनों लोग, मैं माँ और बेटे दोपहर में एक साथ ही खाना खाते हैं। तो आप लोग जरूर हरी सब्जी खाएं। मेरा बेटा बहुत नाटक करता है, फिर भी मैं इसे खिलाती हूँ। अच्छी लगी सब्जी? सब्जी अच्छी लगी थी बाबू? हे गाइस, तो देखिए हम मंदिर में आ गए हैं, तो शाम हो रही है, और शाम को हम मंदिर में आए तो सबसे पहले मैंने भोले बाबा की पूजा की। तो यहाँ पे हनुमान जी के पास बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो सबसे पहले मैंने भोले बाबा की पूजा की। और कहा माना जाता है कि गणेश जी की पूजा से शुरुआत करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैंने गणेश जी की पूजा की, और जो प्रसाद लाए थे सबको भोग लगाया। और गाइस, आप लोग पूजा किए कि नहीं हनुमान जयंती के दिन? हनुमान जयंती ना साल में दो बार आती है, एक चैत्र महीने में पूर्णिमा के दिन होती है, और एक कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन होती है। इसके पीछे भी कहानी है, तो वो चीज़ तो मैं नहीं बता रही, लेकिन आप लोग
लोग इतना जान लीजिए कि साल में दो बार हनुमान जयंती मनाई जाती है, तो हम ज़रूर मनाते हैं क्योंकि हमारी मम्मी लोग भी शुरू से मनाते हैं। हमारे नानी के गाँव में हनुमान जी हैं तो उनकी पूजा होती रहती थी, हम बचपन से देखते आए हैं तो वो काम हम यहाँ भी करते हैं। और हनुमान जी ने हमको सपने में भी दर्शन दिए हैं, तो माना जाता है पूजा तो श्रद्धा की चीज़ होती है, जिसको मानिए तो वो भगवान तो आपको अपना चमत्कार दिखाएंगे ही। और गाइस देखिए हनुमान जी के लिए मैं लंबी लाइन में खड़ी हो गई हूँ और देख सकते हैं आप लोग। के बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजन पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लला के। गाइस तो हम लोग मंदिर से आ गए हैं और गाइस हम लोग ने हनुमान जी का वीडियो नहीं बना पाए, बहुत लंबी भीड़ थी अंदर थी, बाहर से नहीं बना पाए, बहुत ज्यादा भीड़ शंकर जी का। हाँ तो आप सब पे हनुमान जी कृपा बरसाते रहे। और यहाँ पे हम पंडित जी से मांग के टीका लाए हैं। हाँ मैं तो देखी नहीं, लीजिए कब मांगे जी, अंदर ही मांग लिए पंडित जी से। लीजिए भाभी को हनुमान जी खुश रखें, उनको भी खुश रखे, सबको टीका लगा देते हैं। लो जी हनुमान जी के चरणों का प्रसाद। रुक जा जय हनुमान जी। बोलिए वीडियो बंद करिए जी। लगा दिए ना, सुंदर लगा, देखिए और लगाइए, हम लगाए ऊपर, नहीं मैं ऊपर लगाती हूँ ना, सुंदर है यहाँ नहीं लगाते हैं। मेरे भाभी यहाँ पे टीका लगा, अरे सुंदर लगा, देखो ना गाइस कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ अच्छी ब्यूटीफुल ब्यूटी जिसको मिला मेरे पास, खोजेंगे ना आप लोग इनको, खोजेंगे ना हैप्पी हनुमान जयंती बोले सबको। गाइस आप सबको हैप्पी हनुमान जयंती, हनुमान जयंती खूब खुश रखे आप सभी को। और आपको चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट करें, सुंदर सुंदर कमेंट करें, अच्छी मीठा प्यार प्यार। और आप सब सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हम लोग भी खुश रहें। हाँ दोनों आदमी का दोस्ती बने रहे, नजर ना लगे गाइस, नजर ना लगे, खुद की नजर खुद को लग जाए। मेरे बाबू कहते हैं दोनों लोग दोस्ती को नजर ना लगे, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, थू थू गाय नहीं नजर लगेगी। हाँ ना फिर आज कौन दिन पता नहीं, जल्दी से आए मुझे नहीं। आप लोग वेट करिएगा भाभी क्या है। बाय बाय भाभी। गाइस अब इसी के साथ मैं ब्लॉग को मैं भी एंड करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।